पुलिस पर हमला करने वाला 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने बताया कि पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमला करने वाला नूरपुर तातरपुर के निवासी दिनेश को सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आदमपुर रोड बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि लंबे समय से वांछित चल रहे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दिनेश पर 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं आरोपी से अवैध शस्त्र भी बरामद किया गया है। थाना संभल पुलिस द्वारा जो है एक गैंगस्टर का वांछित जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसका नाम दिनेश सिंह है, पुत्र ज्योति सिंह, नूरपुर थाना कैला देवी वर्तमान में है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी पूरी कहानी ये है कि अप्रैल महीने में पंचायत इलेक्शन के दौरान गांव करछड़ी थाना हयात नगर में पुलिस पे हमला किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ ये भी जो है शामिल था, जिसपे उस समय मुकदमा लिखा गया था, गैंगस्टर बना था, तब से ये फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसको विधिक कार्रवाई कर कोर्ट भेजा जा रहा है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ सर इससे? इसके पास एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस।